सब्सक्राइब करिए टेक न्यूरो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं टेक न्यूरो यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का सलूशन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि कैसे जो है आपका अगर नाम गलत हो गया है या जो कुछ आपको वोटर आईडी कार्ड में कुछ गलत हो गया है तो उसका सुधार कैसे करें, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है तो उसका पूरा स्टेटस कैसे निकालें, बाद में अगर आप निर्वाचन प्रणाली में आपका नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो उस वोटर लिस्ट में जो है अपना नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें। चलिए सारी समस्याओं का इसमें समाधान करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए तभी आपको मिलेगा सारी समस्याओं की समाधान का जानकारी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वोटर आईडी कार्ड का जो ऐप है ये आपको जो है प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और नहीं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके वहाँ से आप जो है डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं वोटर आईडी कार्ड, फिर इस ऐप पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। ऐसे करेंगे आपको, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है तो वोटर आईडी कार्ड का अगर स्टेटस जानना चाहते हैं कि क्या हो गया, सुधार हो गया नहीं हो गया, कहाँ है क्या है, बन गया है कि नहीं, तो आप इसमें जो वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें एक नंबर्स मिलते हैं, अनुक्रमांक संख्या मिलता है इसमें। चलिए दिखाते हैं, देखिए इंटर रेफरेंस आईडी मिलता है आपको जैसे अप्लाई करते हैं किसी, तो यहाँ जो है आपको इंटर यहाँ पे भर के और यहाँ से ट्रैक स्टेटस के पर क्लिक करके जान सकते हैं कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो कहाँ तक है, अभी कहाँ तक पहुँचा है या किस प्रोसेस में है, प्रोसेस कहाँ तक है, कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ तक आप देख के जान सकते हैं, ठीक है। कई सारे जो अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे प्रोसीजर होता है वेरिफिकेशन के लिए, जो है VLO ऑफिस से लोग जो है घर पे आते हैं, उसके बाद ये सब अगर अगर ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो इसमें सब बताएगा कि ये आपका काम हो गया, ये बाकी है, इसलिए आपका जो है वोटर आईडी कार्ड पेंडिंग है या फिर कितने दिनों तक आपका कन्फर्म हो जाएगा, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। सर्च योर नेम दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है, सर्च योर नेम इन इलेक्शन रोल्स, क्या आपका नाम जो है वोटर आईडी कार्ड सूची में है, वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, आप यहां से जो है सर्च कर सकते हैं। यहां पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपको देखिए, जैसे क्लिक करेंगे दो तरीके का ऑप्शन मिल जाता है, एक तो आप विवरण द्वारा खोजें और दूसरा है पहचान पत्र द्वारा खोजें। विवरण द्वारा खोजने के लिए आपको देखिए आपका पूरा नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है जो यहाँ पे अपने पापा का नाम जो स्पेलिंग सही सही लिखी है, जो आपने उसमें लिखा था वोटर आईडी कार्ड बनाते समय में, वही दोनों लिखना होगा। और उम्र मालूम है तो उम्र भरिए, अगर जन्मतिथि मालूम है तो यहाँ जन्मतिथि वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जन्मतिथि भर लीजिए। अगर एज लिस्ट सेलेक्ट करके यहाँ से एज लिस्ट भर सकते हैं क्या एज है, और जन्मतिथि वाले पर आएंगे तो जन्मतिथि भरने के लिए ऑप्शन देगा। फिर इसके बाद आपको जो है अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, जेंडर फीमेल मेल जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी है आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने स्टेट का नाम बताना होगा, यानी कि राज्य का नाम बताना होगा, यहाँ पे राज्य के लिए क्लिक कर सकते हैं। बाद में उसके बाद जो है आपका जिला कौन सा है, जिला के ऊपर क्लिक करना होगा, डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करना होगा जाके। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो आपका जिस क्षेत्र में पड़ता होगा, जैसे उस क्षेत्र में जाके उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे जैसे आप ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो पांच ऑप्शन जो चार पांच जो जी आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने विधानसभा असेंबली जो भी हैं निर्वाचन क्षेत्र हैं वो सब इसमें दिखा देगा, जो उसमें आपका होगा क्लिक कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं मिलता है तो आपको जो है ऑप्शन मिल जाता है मैप द्वारा नक्शे पर चुने, नक्शे पर द्वारा जाके यहाँ पे क्लिक करके आप वहाँ से चुन सकते हैं कि आपका कौन से क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। लास्ट में आपको ये कोड इंटर करना है, कोड इंटर करने के बाद खोजों पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका वोटर का आईडी कार्ड आपको डिस्प्ले हो जाएगा पूरा डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास पहचान पत्र क्रमांक द्वारा खोजें, पहचान पत्र संख्या है तो आप इसके थ्रू जाके खोज सकते हैं। EPIC नंबर होता है एक, पहचान मतदाता पहचान पत्र क्रमांक होता है, जो आपके जो वोटर आईडी कार्ड है उसके कॉर्नर पर मिल जाता है, तो यहाँ पे सर्च कर यहाँ पे डाल के उसके बाद स्टेटस और राज्य का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। बाद में ये जो कोड है
बार कोड, इसको यहाँ पे कोड को यहाँ एंटर कर दीजिए और खोजो पे सर्च कर दीजिए, तो आपका जो है सारा डिटेल्स आ जाएगा, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं अपना वोटर आईडी कार्ड। चलिए दोस्तों, ये हुआ सर्च करें इलेक्शन वाला, जो अपन आपका नाम है कि नहीं है। अगर आप जो है आपका अभी 18+ के हुए हैं अभी, मतलब आप अप्लाई करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, मोस्टली आपको अगर 18+ के होंगे तभी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं वोटर के लिए, वोटर आईडी कार्ड के लिए जो भी है, तो आप यहां से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, यहां पे जाना होगा अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन और न्यू वोटर। ठीक है, इस ऑप्शन पे, थर्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ऐसा जो है इंटरफ्रेंस मिल जाएगा। अगर आप हिंदी में भरना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी चुन लीजिए, और इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो इंग्लिश चुन लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल मेरा हिंदी में है। प्ररूप 6, मतलब प्ररूप मतलब फॉर्म संख्या 6 है। फॉर्म संख्या न्यू अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म संख्या 6 भरना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे निर्वाचन राष्ट्रीयकरण अधिकारी राज्य जो है, आपका राज्य कौन सा है, राज्य मतलब स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पे आप भर लीजिए डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आपको प्रमाणित करना होगा पहली बार मैं मतदाता रूप में इसमें कर रहा हूँ, यहाँ पे अनुरोध करना होगा सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद निर्वाचन नामांक में सम्मिलित करने के लिए मेरे दावे के समर्थन विशिष्ट नीचे दिए गए इकाई और प्रविष्ट करना होगा। उसके बाद अपना नाम इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में भी अगर चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं, उपनाम भी यहाँ पे अगर कोई हो तो लिख सकते हैं, आवेदन के नातेदार का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब आपके रिलेटिव कौन है उनके जहाँ आवेदन के नातेदार, मतलब आप कौन है इसका अगर कुछ हो ब्यौरा तो आप लिख दें, आवेदनकर्ता के नातेदारों का उपनाम, उसका उपनाम लिख सकते हैं, नातेदारी का किस टाइप का है, मम्मी है पापा हैं जो भी है, फादर सिस्टर जो भी, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आयु के कैलेंडर वर्ष के जनवरी के अनुसार यहाँ पे आप जो अपना आयु सेलेक्ट कर सकते हैं। जन्मतिथि यहाँ पे देखिए यस दिया है, जो भी है आप सेलेक्ट कर, जन्मतिथि के दिनांक मास वर्ष के रूप में ही यदि ज्ञात हो तो मास वर्ष के रूप में आप यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे भर, यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, ए हो तो ये भरिए और नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मास के रूप में जो भी है सारे डिटेल भरिए। आवेदन किलिंग जो है आपका मेल फीमेल क्या है, आपका जेंडर बताना होगा तो यहाँ पे बता सकते हैं, और वर्तमान पता जिसके आवेदक मालूम तौर पर निवासी हो, जहाँ पे आपका निजी स्थान है, जहाँ पे आप हमेशा के लिए परमानेंट एड्रेस है वहाँ यहाँ पे भर सकते हैं। आप गृह संख्या, घर का होम नंबर भर सकते हैं, गली क्षेत्र कौन से गली क्षेत्र स्थान पे रहते हैं वो शहर ग्राम का नाम भर सकते हैं, डाकघर कहाँ है पिन कोड यहाँ भर सकते हैं, राज्य कौन सा है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आवेदक का स्थायी पता अगर उपरोक्त जो सेम पता हो तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए तो सेम वही जो पता है अपने आप ही इसमें भर जाएगा, आपको दूसरा भरने की नहीं, अगर कोई और है तो यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फैमिली निगम बोर्ड, जो भी अगर फैमिली में कोई आपके पास कोई वोटर आईडी कार्ड नंबर है किसी का, फैमिली में मम्मी पापा किसी का, तो उसका ईपीआईसी नंबर डाल सकते हैं। ईपीआईसी नंबर आपको जो है कॉर्नर में, वोटर आईडी कार्ड के कॉर्नर में दिया होता है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, वहां डायरेक्ट लिखा होगा ईपीआईसी नंबर, वहां से नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए निःशक्त कोई हो या दुर्बल बाबा के निःशक्त गति विशेष, ये सब ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना ईमेल आईडी डालिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए। ठीक है, और सहायक के लिए एक दस्तावेज आपको जो है ज़रूर है अपलोड करना पड़ेगा, जैसे अपना फ़ोटो हो गया, यहाँ फ़ोटो कर लीजिए, फ़ोटो जो है जीपीजी पीएनजी बीएमबी जेपीईजी में होगा, और आयु प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ से जमा करना पड़ेगा। आयु प्रमाण पत्र यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, बाद में आपको पता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होता है एक, उसको जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद घोषणा करना पड़ेगा कि मैं इस शहर का निवासी हूँ, ये राज्य है, ये जिला है, और इतना वर्ष मेरा आयु है, सब कुछ लिख के आपको यहाँ पे मेरा नाम, ये स्थान यहाँ, और यहाँ पे सिग्नेचर डालना होगा, अपना नाम और जो है डाल के, इसके बाद दिनांक इतना इतना करके, इस बात में मैं ज्ञात करता हूँ कि घोषणा करता हूँ कि जो ऊपर दी गई सारी उपयुक्त धारा इतने इतने के तहत जो है अगर किसी भी गलती पाई जाती है तो इसमें अदंड दंडीय ऐसा सब कुछ लेके आपको करना पड़ेगा, और इसके बाद इधर वाला भेजे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इस तरीके से आपको एक नंबर मिल जाएगा, अप्लाई नंबर, ठीक है, क्रमांक संख्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन क्रमांक संख्या, इस तरीके से। उसके बाद 2-3 दिन में आपको जो है बीएलओ अधिकारी, जो है बूथ बीएलओ अधिकारी होते हैं, वो आपके घर आएंगे, बाकी सारा डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद जो है आपका वोटर आईडी कार्ड
दो चार 1 महीने 10 दिन में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप जो है न्यू रजिस्ट्रेशन के वोटर आईडी कार्ड के लिए कैसे करें वो आपने देख लिया। ठीक है, अगर आपका कोई जो है पहले से, अगर कोई आप पहले से एक वो अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ओवरसीज वोटर, मतलब वो कहीं बाहर बाहरी से हैं, कहीं दूसरे उधर के हैं, बाहर के हैं, अगर यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे दूसरे कंट्री के हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। करेक्शन ऑफ इंटर इलेक्शन क्लोज, अगर आपके कोई गलती हो गई है आपके जो है, ठीक है, आपके जो वोटर आईडी कार्ड में कुछ गलती है, ठीक, तो उसको यहाँ से सुधार कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्म 8 भरना होगा, यानी प्रूफ 8। उसके लिए आपको अपना देखिए राज्य क्या है, स्टेट क्या है, सेम वही चीज़ें भरना होगा, अपना नाम, उपनाम, उपनाम सब यहाँ पे भर के, ठीक है, निर्वाचन नामांकली का भाग संख्या यहाँ भरना होगा, निर्वाचन नामांकली का क्रमांक संख्या यहाँ भरना होगा, फोटो का पहचान पत्र संख्या यहाँ भरना होगा। उसके बाद आप किस चीज़ में आप सुधार करना चाहते हैं, नाम गलत है तो नाम पे लिखिए, मेरा फ़ोटो में सुधार करना चाहते हैं फ़ोटो पे क्लिक कर दीजिए, IPIC में सुधार करना चाहते हैं तो उस पर, पता, जन्मतिथि, आयु संबंधित कोई भी ऐसा जो है उस पर क्लिक कर सकते हैं। लिंक में कुछ चेंज हो गया है, कुछ भी जो है इसमें जो सुधार करना है उस पर आप क्लिक करके, ठीक है, फिर से दोबारा से अपना नाम वाम जो है फिर भर के, सेम एड्रेस पूरा भर के, यहाँ पे जन्मतिथि, डेट, संबंध, लिंक जो है, ईमेल आईडी, सारा चीज़ें भर के, उसके बाद स्थान क्या है, उसके बाद भेज सकते हैं। इस तरीके से आपका जो है सुधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया आपका करेक्शन के वाली। ठीक है, अब लिंक स्टेट UTC ऐसे सब, ये BLO LO DLO, ये बारे में सर्च करना चाहते हैं कि तुम आपका BLO कौन है, ERO कौन है, DO कौन है, तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। वोटर एजुकेशन चैनल यहाँ से आप देख सकते हैं कोई समस्या हो तो। पोलिंग प्रोसेस क्या है, वोट कैसे डालते हैं, यहाँ भी है, वोटर लिस्ट है, यहाँ वोटर लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इलेक्शन वोटिंग मशीन क्या होता है, इसके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा इस वीडियो में, और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, और मेरे चैनल को है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस वोटर आईडी कार्ड जो है ऐप को आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अन्यथा मेरे जो है डिस्क्रिप्शन लिंक से डायरेक्ट क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये काफ़ी कमाल का ऐप है, और इसमें जो है आसानी से सारी चीज़ें, बहुत आसानी तरीके से सब चीज़ें, एक सीरियल वाइज से आप अगर जो भी सुधार करना चाहें, जो भी करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी दिक्कत, समस्या अगर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी समस्याओं का समाधान लेके आता हूँ, वोटर आईडी से रिलेटेड और अन्य बहुत सारी जानकारी मैं लेके आता रहता हूँ इस चैनल पर। तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ और बने रहिए, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू।